इसमें रोटी खा रहा हूँ और रोटी में मैंने घी रखा है और घी डाल के और ऊपर से चीनी डाल रखा है। पहाड़ में ऐसे करके खाना बनाया जाता है, लकड़ी लकड़ियों में खाना। जय कुमाऊं, जय गढ़वाल। तो देखिए नए दिन एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी दोस्तों का। तो कटनी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है 8 बजे से और फिलहाल यहाँ पे मैं बना रहा हूँ खाना। पहाड़ में ऐसे करके खाना बनाया जाता है, लकड़ी लकड़ियों में खाना बनाया जाता है। लोगों को पूरी पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाएंगे और पूरी लाइफ स्टाइल दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे और पुरानी यादें बचपन से जुड़ी चीज़ें वो चीज़ें भी एक्सप्लोर कराएंगे। और हमारे घर के ये हमारे घर का दीवार है, साइड में हमने यहाँ पर चूल्हा लगा रखा है और यहाँ पर हम खाना बना रहे हैं। और हमारे खेत में देख, यहाँ पे हमारे पे खेत नहीं है, हमारे घर के आगे एक घर है और यहाँ साइड से भी घर है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, छोटा सा खेत बना के पत्थरों से बना के और यहाँ पे लगा रखा है हमने। पहाड़ी में बोलते हैं धुंगार, बोलते हैं इसको कुमाऊँ में और गढ़ते हैं, लेकिन इसको धुंगार बोलते हैं इसको। जैसे प्याज का होता है ना, प्याज, प्याज की जगह अगर हमारे पास प्याज नहीं है तो हम इसको डाल सकते हैं। तो एक बार तो मैं पहले खाना बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे पानी रखा है, खाना बनाते हैं एक बार मस्त तरीके से। बचपन की एक यादें दिलाते हैं आप लोगों को ऐसे करके, तो ज़रूर बताना कमेंट में। ये क्या चीज़ है, चावल लग रहे होंगे और चावल और चीनी मिला के किस किसने खाया बचपन में, वो चीज़ें बताना। और ये मैंने तैयार कर दिया है, अभी देखो मैं डब्बे में डाल रहा हूँ। इस डब्बे में चीनी और चावल मिला के लेके जा रहे हैं हम, और इसको कहाँ लेके जा रहे हैं हम, हमारे गांव में नेटवर्क नहीं है और नहीं आते, तो इस वजह से मुझे ब्लॉग अपलोड करने के लिए ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। तो वहाँ हम लोगों को टाइम पास चाहिए, तो इस वजह से मैं इसको वहाँ लेके जा रहा हूँ। तो आप लोग खाते होंगे पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन आप लोग खाते होंगे, लेकिन हम लोग बचपन की चीज़ें ही पसंद करते हैं, बचपन की चीज़ें ही खाते हैं। और यहाँ पे देखो मैं इसमें रोटी खा रहा हूँ और रोटी में मैंने घी रखा है और घी डाल के और ऊपर से चीनी डाल रखा है। देखो ये खाने का ना, ये खाने का अलग ही स्वाद आता है, अलग ही मज़ा आता है, पता है। ऐसे करके ना चीनी और घी हो और क्या कहते हैं साथ में, ऐसे करके मतलब इसके साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा ना, लेकिन कुछ अलग ही मज़ा और अलग ही फील आता है। क्योंकि ऐसे खाने में, ऐसे करके बचपन में हम लोग खाते थे ना, चलते चलते ऐसे करके रोटी पकड़ के खाते थे। तो सुबह सुबह धूप लेट आती है गर्मियों में, लेकिन बहुत जल्दी आ जाती है, 7 से 8 बजे के बीच धूप आ जाती है। लेकिन जब सर्दियां होती है ना, सर्दियों के टाइम पे मतलब कम से कम 10 या 11 बजे धूप आती है। आजकल देखो कितनी जल्दी धूप आ गया यहाँ पे, अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, 8:30 बजे इतनी धूप आ चुकी है, ये देखो। और हम लोगों को नेटवर्क का, जहाँ ब्लॉग अपलोड करने के लिए जाते हैं हम लोग डेली, तो वो ये इस पहाड़ पे जाते हैं हम लोग, इतना चढ़ाई चढ़ना पड़ता है यहाँ से। और सुबह सुबह देखो सभी लोगों ने घर पे गाय भैंस को बांधी है, ये देखो। तदी उब्रियात हो तो उब्रियात सब है तो ए दाल, और दाल लेके आ गया आज, दाल बनेगी आज तुम्हारी, मसूर की दाल बनेगी। और ये है मसाला, और प्याज तो है नहीं बट इसी को डालेंगे, अभी दिखाया था ना सुबह, तो इसी को प्याज के काम करता है ये। ये देखो तेल होने वाला है तो इसको डालते हैं, उसके बाद डाल दिया है मैंने प्याज की जगह, यही काम करता है ये देखो। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, ये देखो प्याज की जगह इसने काम कर दिया ना। और दाल बनाते हैं एक बार, अब पानी डाल के इसमें ढक्कन लगा दिया है। खाना बन चुका है, यहाँ पे दाल बन चुकी है और इसमें राइस बन चुका है, इसमें राइस बन चुका है और इसमें दाल बन चुकी है। ये गंजाड़ ये सार अगंजाड़ अगंजाड़ यहाँ सार अच्छा क्या रहे तू यहाँ
मेरे से जेल में तो चार में क्यों खाना है हाँ खाना दाउन लगा रहे क्यों खाने हैं नो बुरी तो आप ये इधर से जाना जाना हुई है पाजील बती हो ये भैया को पूरा मुझ पे आपने कौन सा इस बाजी उड़ा दी कर अच्छा हम तो काम करने नहीं जाओ तो हम काम धुबी में तो आ गए मुझे वो बुखार आया है मुझे वो उजाव नो 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 मी अल्ले ये वीडियो एडिट कर भी छेड़े में पूरा रात शेड्यूल लगा बे आज पूरा रात 8 बजे ने जाल नो 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 हम लोगों ने खाना खा लिया और खाना खा के हम लोग जा रहे हैं नेट चलाने क्योंकि मुझे ब्लॉग अपलोड करना है और कल का शेड्यूल लगाना है क्योंकि डेली आजकल वीडियो का टाइमिंग है 8 बजे और डेली 8 बजे डालता हूँ मैं वीडियो और जा रहे हैं बाय बाय। तो भाई यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को जंगली वो है बसौली गया था और अपने जहाँ पे नेट चलता है हमारा तो उस पहाड़ में पहुँचने के बाद डायरेक्ट मैं दसौली गया था जो परसों दसौली का गांव दिखाया तो उसी गांव में गया था वहाँ पे एक दुकान है बहुत बड़ी तो वहाँ से मैं सामान लेके आया हम अभी दिखाते हैं सामान ऊपर जाके एक बैग भर के लाए हैं और मेरा स्लीपर टूट गया था ऊपर आते वक्त घर से ऊपर आते वक्त स्लीपर टूट गया था तो स्लीपर टूटने के बाद मैं अभी स्लीपर लेके आया हूँ और मेरे को इस जंगल से ये रास्ता रास्ता आते वक्त मेरे को यहाँ पे दिखे हैं काफल देखो कितने मस्त पके हैं यार काफल भाई ये देखो इतने मस्त काफल पके हैं ना यहाँ पे ये देख सकते हैं काफल पके हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया एक बार सबसे पहले तो काफल खाते हैं फिर उसके तो गाइस गर्मी से हालत देख सकते हैं कैसी हो रही है और यहाँ पर मैं खा रहा हूँ काफल किसी को खाने हैं तो आ जाओ भाई काफल और ये देख सकते हैं यहाँ पर चल रही हमारी पार्टी ये देखो क्रीम रोल ये तो गाइस मैं ये वो है कौन ये पिछली वीडियो में न्यू संदन पहाड़ी ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने खुद अपने मुंह से बोला था वही है ये तो गाइस देखो ये बिस्कुट ले जाके मतलब ये दे ही नहीं रहे देख रहे हो बिस्कुट ले जाके ऐसे करके पेड़ में जाके खा रहे हैं देखो ये जाने लग गया घर को और यहाँ पे मैंने ब्लॉग अपलोड करके और शेड्यूल लगा लिया है और आप सभी लोग देख पाओगे इसी वजह से मैंने शेड्यूल भी लगा लिया है कल सुबह 8 बजे तो अभी अंधेरा भी होने हो गया है देखो यार नीचे को और वो लोग तो बहुत नीचे पहुँच चुके हैं और मैं भी जाने लग गया आराम आराम से क्योंकि अब आप सीधे आप लोगों को एक नई चीज़ बताते हैं और नई रीति रिवाज बताते हैं जैसे असौज के महीने में असौज का महीना कब आता है असौज के महीने में आता है तुम्हारा सितंबर में जो घास काट के ना लोटा बनाया जाता है पहाड़ी में वो घास का जो बड़ा सा पेड़ में उसको बना के गोल करके बड़ा बनाया जाता है ना तो उसको बना के जब वो घास का नया नया घास अगर टूट जाता है अगर वो मतलब पेड़ से सारा गिर जाता है तो उसके बाद एक नई रीति रिवाज है ये पूरी डालने पड़ते हैं जिस दिन वो टूट गया तो उस दिन पूरी डालते हैं बल आज ताई जी का वो टूटा है तो इस वजह से ताई जी पूरी डाले मैंने पूछा मैंने कहा क्या हुआ तो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और तो इस वजह से हुआ है करके बता रहे थे तो ऐसी नई रीति रिवाज है ये हमारे मतलब मेरे को तो आज ही पता लगा कि ये भी रीति रिवाज है जब घास का वो गिर जाता है तो उसके बाद उसको पहाड़ी में बोला जाता है जैसे गजल लूट टूट जाए जब तक फिर ये पूरे एली जनान बल